नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टोमेटो। इससे पहले मैंने टोमेटो पे दो वीडियो बनाई हैं और वो दोनों ही वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ जाके आप हिंदी मीडियम की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अदर नेम्स के बारे में। अदर नेम्स में है पूर मैन ऑरेंज, वुल्फ एप्पल, विलायती ब्रिंजल, लव एप्पल, ये चारों जो इसके हैं ये अदर नेम्स हैं। फिर बात करते हैं बोटेनिकल नेम की। लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम जो इसका सबसे पहले बोटेनिकल नेम था, वो बोटेनिकल नेम था लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। फिर इसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ और चेंज होने के बाद में इसका नाम हो गया सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। लेकिन अब जो 11 12th की बुक्स में आ रहा है वो बुक्स में आ रहा है लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम, और जो अभी पिछले साल नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और उसमें लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम को ही सही माना था। तो वैसे तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पर ये जो थर्ड वाला है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। फिर बात करते हैं इसकी फैमिली के बारे में। तो जो इसकी फैमिली है वो फैमिली है सोलेनेसी, यानी कि जो टोमेटो क्रॉप है या टोमेटो प्लांट है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से वो बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं इसके ओरिजिन प्लेस की, यानी कि ओरिजिन प्लेस का मतलब है कि जो टोमेटो का प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ नोटिस किया गया था। तो वो नोटिस किया गया था पेरू साउथ अमेरिका में। तो जो टोमेटो का ओरिजिन प्लेस है वो ओरिजिन प्लेस है पेरू साउथ अमेरिका। फिर बात करते हैं इसके टाइप ऑफ फ्रूट की, यानी कि इसकी जो फ्रूट का प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है बेरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरस। तो इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो है बेरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सरस। फिर बात करते हैं इसके एडिबल पार्ट की, यानी कि जो टोमेटो का प्लांट होता है उससे टोमेटो हमें कौन से पार्ट से प्राप्त होता है या कौन से पार्ट से हम लेते हैं। तो जो टोमेटो होता है वो फ्रूट होता है, तो इसका जो एडिबल पार्ट हो गया वो पार्ट हो गया फ्रूट। फिर बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, जो इसमें क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n = 26। तो क्रोमोसोम नंबर हो गया 2n = 26। फिर बात करते हैं इसके फ्लावर कलर की, यानी कि जो इसमें फ्लावर्स आते हैं वो आते हैं येलो कलर के। तो जो टोमेटो के कलर ऑफ फ्लावर है वो है येलो। अब बात करते हैं टोमेटो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले रेड कलर ऑफ टोमेटो इज़ ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट, यानी कि जो टमाटर का लाल रंग होता है, टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। तो रेड कलर ऑफ टोमेटो इज़ ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट। टोमेटो इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, टोमेटो इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, यानी कि टोमेटो में विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 15-27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ टोमेटो, 15-27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ टोमेटो, यानी कि 15-27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा रहता है टोमेटो कल्टिवेशन के लिए। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज डेवलप्स एट 21-24 डिग्री टेम्परेचर, द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज डेवलप्ड एट 21-24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि जो इसमें जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो 21-24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। 21-24 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाइकोपिन पिगमेंट सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद में वो डिक्रीज होने लग जाता है, यानी कि कम होने लग जाता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, लाइकोपिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लाइकोपिन पिगमेंट बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, और सूटेबल टेम्परेचर है अगर पिगमेंट बनने के लिए तो वो है 21-24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर पॉलिनेशन टेम्परेचर इज टोमेटो इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पॉलिनेशन के लिए टोमेटो में पॉलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस, टोमेटो में पॉलिनेशन के लिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करते हैं सोइल की, वेल ड्रेंड सैंडी लोमी सोइल इट्स गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो, और उसका पीएच होना चाहिए 6.5 to 7 पीएच इसके बिटवीन जो सोइल आती है वो सोइल अच्छी मानी जाती है, गुड मानी जाती है फॉर कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की। इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ थोड़ी ज़्यादा है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वैरायटी है पूसा शीतल। अब देखिए यहाँ पर नाम में ही शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा।
दिस इज ए कोल्ड सेट वेराइटी एंड इट्स ग्रोन इन कोल्ड रीजन्स बिकॉज इट कैन टॉलरेट मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये एक कोल्ड सेट वेराइटी है और ये मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो पूसा शीतल जो वेराइटी है ये कोल्ड सेट वेराइटी है और 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकती है और मोस्टली इस वेराइटी को कोल्ड रीजन्स में उगाया जाता है, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है पूसा हाइब्रिड 3। जो पूसा हाइब्रिड 3 है ये दिस इज ए हॉट सेट वेराइटी एंड इट ग्रो इन हॉट एरिया बिकॉज इट कैन टॉलरेट हाइएस्ट 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दिस इज ए हॉट सेट वेराइटी, जो पूसा हाइब्रिड 3 है वो हॉट सेट वेराइटी है और ये वेराइटी हॉट एरियाज में उगाई जाती है और हाइएस्ट 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को भी सहन कर सकती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है अर्का मेगाली। जो अर्का मेगाली है इट इज़ सूटेबल फॉर रेनफेड एरियाज, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा आधारित खेती की जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर पूरी की पूरी रेन पर डिपेंड होती है, उन एरियाज में टोमेटो की अर्का मेगाली वेराइटी को मोस्टली उगाया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है पूसा रूबी। जो पूसा रूबी है वो टोमेटो की वेराइटी है और सिर्फ अगर रूबी पूछा जाता है आपसे, सिर्फ रूबी पूछा जाए तो वो है पोमग्रेनेट यानी कि अनार की वेराइटी है। तो जो पूसा रूबी है द मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ टोमेटो, इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग टोमेटो सॉस एंड पिकल। जो पूसा रूबी वेराइटी है वो प्रोसेसिंग के लिए फेमस वेराइटी है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे टोमेटो से सॉस बनाना, केचप बनाना या चटनी बनाना या पिकल्स बनाना, ये प्रोसेसिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो जो प्रोसेसिंग के लिए फेमस वेराइटी है वो वेराइटी है पूसा रूबी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है पूसा दिव्या। इट इज़ ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ टोमेटो। पूसा दिव्या जो वेराइटी है वो म्यूटेंट वेराइटी है टोमेटो की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कर्नाटका हाइब्रिड। है वो फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी है टोमेटो की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है अंगूर लता। जो अंगूर लता वेराइटी है वो सूटेबल फॉर ग्रोन इन किचन गार्डन। किचन गार्डन में लगाने के लिए अंगूर लता वेराइटी फेमस है। किचन गार्डन से मतलब ये होता है जो घर के आसपास खाली जगह पड़ी होती है उसमें परिवार की सब्जियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम छोटे क्षेत्र में सब्जियां उगाते हैं तो वो किचन गार्डन कहलाता है। तो किचन गार्डन में उगाने के लिए जो सबसे फेमस वेराइटी है वो अंगूर लता है। तो अंगूर लता देख के आपको ये अंगूर की वेराइटी नहीं करनी है, अंगूर लता इज़ ए वेराइटी ऑफ टोमेटो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है पंजाब छुआरा। इसके जो फ्रूट होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं। इट्स फ्रूट्स लाइक पियर शेप। तो नाशपाती के आकार के जो फ्रूट होते हैं वो पंजाब छुआरा वेराइटी के होते हैं और पंजाब छुआरा इज़ ए वेराइटी ऑफ टोमेटो। और इस वेराइटी का दूसरा नाम है सेमा। सेमा सेमा भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है हिसार अनमोल। हिसार अनमोल वायरस रेजिस्टेंस वेराइटी है। इट मींस हिसार अनमोल वेराइटी में वायरस नहीं लगता है, वायरस डिजीजेस नहीं लगती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्शन 152। जो सिलेक्शन 152 वेराइटी है टू शिप रिमोट मार्केट्स यानी दूरस्थ बाजारों में भेजने के लिए, इस वेराइटीज़ के जो टोमेटो होते हैं वो दूरस्थ बाजारों में भेजने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक लाल बने रहते हैं और सड़ते नहीं है। इसलिए दूरस्थ बाजारों में भेजने के लिए टू शिप रिमोट मार्केट्स सिलेक्शन 152 वेराइटी इज़ ए गुड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है हिसार ललित, जिसका दूसरा नाम है NT18। जो हिसार ललित वेराइटी है उसका दूसरा नाम है NT18। ये फेमस वेराइटी है टोमेटो की। इट इज़ ए फेमस वेराइटी ऑफ टोमेटो। कभी कभी जो ये हिसार ललित वेराइटी इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि हिसार ललित वेराइटी का दूसरा नाम क्या है, तो हिसार ललित वेराइटी का दूसरा नाम है NT18। फिर इसके बाद में इन सब्स के अलावा एक वेराइटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको GMO वेराइटी भी बोलते हैं। इस वेराइटी का नाम है फ्लेवर सावर। दिस इज़ ए ट्रांसजेनिक टोमेटो वेराइटी।
ये एक ट्रांसजेनिक टोमेटो वेराइटी है। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जीन को ट्रांसप्लांट करके इस वेराइटी को डेवलप किया गया है, और इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है CGN895642। जो फ्लेवर सावर है उस वेराइटी का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है CGN895642। इसका जो छिलका होता है, इसका जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, और ये लंबे समय तक ये फ्लेवर सावर वेराइटी का जो टोमेटो होता है वो सड़ता नहीं है। तो फ्लेवर सावर वेराइटी की जो मेन विशेषता होती है वो विशेषता ये होती है कि इसकी जो स्किन या इसका जो छिलका होता है वो लंबे समय तक सख्त बना रहता है, सड़ता नहीं है टोमेटो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वेराइटी है अर्का सौरभ। अर्का सौरभ द मोस्ट सूटेबल वेराइटी ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में वापस से वही आ गया, केचप बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए जो वेराइटी है वो है अर्का सौरभ। फिर इसके बाद में कुछ एक्जोटिक वेराइटीज़ दी हुई है, यानी कि कुछ विदेशी किस्में दी हुई है। उन विदेशी किस्मों में सबसे पहले पूसा रेड पल्प, फिर है स्वीट 72, फिर है साउक्स, फिर उसके बाद में है बेस्ट ऑफ ऑल, फिर है ड्वार्फ मनी मेकर। ये कुछ एक्जोटिक वेराइटीज़ हैं यानी विदेशी किस्में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आपको तीन देसी किस्में दे दी जाती हैं और उसके नीचे आपको एक विदेशी किस्म दे दी जाती है, तो विदेशी और देसी दोनों किस्मों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जेट के एग्ज़ाम में वेराइटीज़ के क्वेश्चन आते ही हैं, जेट और ICR के एग्ज़ाम में वेराइटीज़ के क्वेश्चन आते ही हैं, कम से कम तीन या चार क्वेश्चन वेराइटीज़ के आते हैं, तो वेराइटीज़ को मोस्टली देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में है कुछ अदर वेराइटीज़। अदर वेराइटीज़ में है पूसा गौरव, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंत बहार, अर्का अभिजीत, अर्का आहुति, फिर उसके बाद में है अर्का विकास, फिर है पूसा अनुपम, फिर उसके बाद में है अर्का आशीष, फिर इसके बाद में है पूसा सदाबहार, फिर इसके बाद में है पंजाब केसरी, और फिर इसके बाद में लास्ट वेराइटी है मार्ग्लोब। तो ये जो सारी वेराइटीज़ है ये अदर वेराइटीज़ है। फिर इसके बाद में एक नोट दिया गया है, ऑल द अर्का नेम्स वेराइटी इज डेवलप्ड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IIHR। यह है हसरगटा बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु कर्नाटका में है। यहाँ पर सब्जियों पर मोस्टली रिसर्च किया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका जो हिंदी में नाम है वो नाम है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो जो जितनी भी अर्का नाम की वेराइटीज़ है उन वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है IIHR में, IIHR में इसको डेवलप किया गया है, और IIHR की स्थापना हुई थी 1967 में कर्नाटका में। अब इसके बाद में बात करते हैं सीड रेट की। जो टोमेटो की सीड रेट होती है, अगर हाइब्रिड सीड्स की सोविंग कर रहे हैं तो सीड रेट होगी 125 to 175 ग्राम पर हेक्टर। अगर हाइब्रिड सीड्स की सोविंग कर रहे हैं तो सीड रेट होगी 125 to 175 ग्राम पर हेक्टर। एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, और जो सब्जियों की सीड रेट होती है वो मोस्टली ग्राम में ही होती है, और जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप होती है उनकी जो सीड रेट होती है वो किलोग्राम में होती है। तो सीड रेट हाइब्रिड सीड अगर सोइंग करेंगे तो 125 to 175 ग्राम पर हेक्टर। अगर नॉर्मल सीड्स की सोइंग कर रहे हैं तब सीड रेट होगी 400 ग्राम to 500 ग्राम पर हेक्टर। फिर बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की। जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है टोमेटो में, वैसे तो कैप्टन और थायरम के द्वारा किया जाता है सभी में, लेकिन नए केमिकल्स के अकॉर्डिंग ट्राइगोडर्मा एंड कार्बेंडाजिम आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट टोमेटो सीड्स। तो ट्राइगोडर्मा और कार्बेंडाजिम भी याद कर सकते हो आप। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है नर्सरी। जो एक हेक्टर के लिए अगर टोमेटो की सीडलिंग तैयार करनी है, सीडलिंग का मतलब होता है उसकी पौध, तो जो सीडलिंग तैयार करनी है एक हेक्टर के लिए तो हमें 250 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होगी। 250 मीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीडलिंग फॉर 1 हेक्टर टोमेटो क्रॉप कल्टीवेशन। तो नर्सरी की रिक्वायरमेंट होगी 250 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, जो नर्सरी की जो सॉइल होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए फॉर्मेलिन यानी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन इसको नॉर्मल में बोलते हैं, और इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका उपयोग किया जाता है। एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नर्सरी की सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड इसका केमिकल कंपाउंड होता है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में अगर खरीफ सीजन में अपन ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त में करेंगे, अगर समर सीजन में अपन ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो फरवरी और मार्च में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। फिर इसके बाद में है क्रॉप डिस्टेंस। क्रॉप डिस्टेंस में एल इंटू पी, एल का मतलब होता है लाइन टू लाइन डिस्टेंस और पी का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखा जाता है 17 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है 60 मीटर। तो ये क्रॉप डिस्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रॉप डिस्टेंस होगी टोमेटो की 70 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। अब आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें इंसेक्टिसाइड, इसके डिजीज़, इसके जो हर्बिसाइड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कितनी उपज होती है, कितनी यील्ड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।